ईमान के अज्जा वीक 8 मुनासिब अल्फाज चुनकर लिखें। सबसे आखिरी पैगंबर डैश हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 2, नमाज से डैश को सुकून मिलता है, दिल को, मैदे को, गुर्दों को, जिगर को। नंबर 3, ऐ मेरे रब में तेरे लिए ही डैश हैं, तारीफ़ें, बातें, सोचें, यादें। नंबर 4, ये यकीन रखना कि ये किताबें अल्लाह की तरफ से डैश हुई, जमा बरहक नाजिल इबादत। नंबर 5, फरिश्ते अल्लाह ताला की डैश हैं, पैगंबर नबी जरिया मखलूक। फिर आप खुद करेंगे। ईमान के अज्जा पैराग्राफ से ख़त कशीदा अल्फाज चुन कर लिखें। ये सवाल आप ब्लू कलर से लिखेंगे और बाकी सब आप काम पेंसिल से करेंगे। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने इनको नूर से पैदा किया है, हर वक्त अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते हैं और इसी का हुक्म मानते हैं। मुख्तलिफ फरिश्तों के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ काम लगाए हैं। अल्फाज मैंने इसमें से अंडरलाइन जो हैं वो आपके नीचे अल्फाज लिख दिए हैं। नंबर 1 है फरिश्ते, नूरानी मखलूक, पाकीज़गी, साफ, हुक्म, हिदायत, हिदायत, ज़िम्मे, सपोर्ट, मुख्तलिफ, अलहदा। ठीक है, ईमान के अज्जा, ये ईमान के अज्जा की सरगर्मी है। कॉलम बनाया आप, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। बेशक मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ, लड़के मांगता लिखेंगे और लड़की मांगती हूँ लिखेंगे। इस पे एरो बनाया इस तरह जिस तरह ये काम हुआ है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरा फजल मांगती हूँ। नंबर 2, 7 साल की उम्र में बच्चे को तरगीब दी जाए नमाज की। नंबर 3, अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए हैं पैगंबर भेजे। ऐसे जुमला कम्प्लीट होगा, अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे हैं। नंबर 4, पर ईमान लाना कहलाता है, आसमानी किताबों पर एरो बनाकर भेजें। आसमानी किताबों पर ईमान कहलाता है। ये सरगर्मी आपकी कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है। अल्लाह हाफिज़।